हाय एवरीवन, दिस इज प्रिजय सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज जो प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ ये आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, एग्जाम में भी आ चुका है और लेटेस्ट रिविजन टेस्ट पेपर नवम्बर 19 में भी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर करके जाना। सर, इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करती है, लेकिन सब डिबेंचर पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो बैलेंस डिबेंचर अंडरराइटर परचेस करते हैं। सेकेंड, सिंस ए कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो कुछ टाइम के बाद वो डिबेंचर कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स में, तो ऐसा किस में अकाउंटिंग कैसे करोगे? चलो सिखाता हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन दिखाई दिया, लिब्रा लिमिटेड रिसेंटली मेड ए पब्लिक इश्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। पॉइंट नंबर वन, नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड 2 लाख। कंपनी ने 2 लाख डिबेंचर इशू किया, उसका फेस वैल्यू है 100 पर डिबेंचर। पॉइंट नंबर टू, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर 60%। तो कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया उसमें से 60% ही कन्वर्ट हो सकता है, मतलब 100% कन्वर्ट नहीं होगा इक्विटी शेयर में, ओनली 60% ही कन्वर्ट होगा। द डेट ऑफ द कन्वर्शन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द इश्यू। तो जब वो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था तो कभी डिबेंचर कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स में? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द इश्यू, जब वो इश्यू का क्लोजिंग डेट होगा ना, वहां से 6 मंथ के बाद डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इक्विटी शेयर्स में। द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज 1st February 2010। द डेट ऑफ द अलॉटमेंट इज 1st June 2010। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 50% पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। दो डेट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया मैंने, एक तो क्लोजिंग डेट और दूसरा डेट ऑफ द अलॉटमेंट। डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज 1st February and the date of the allotment is 1st June, the rate of the interest is 50% payable from the date of the allotment। सुन रहे हो, हम लोग ब्याज कब से देना चालू करेंगे? डेट ऑफ द अलॉटमेंट से। मतलब हम लोग इंटरेस्ट कब से देना चालू करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का डेट याद रखना। वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्शन इज 60, इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, मतलब 10 रुपए का शेयर 60 में दे रहे हो इक्विटी शेयर, तो इसका मतलब शेयर इश्यू एट ए प्रीमियम ऑफ 50। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरराइटर को कमीशन पे करना है 2%। नंबर ऑफ डिबेंचर अपलाइड 150,000। याद करो, कंपनी ने डिबेंचर कितना इशू किया था? 2 लाख ना, लेकिन पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 150,000। तो बचा वो 50,000 डिबेंचर कौन सब्सक्राइब करेगा? अंडरराइटर। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली 30 September एंड 31 March। गिव जर्नल एंट्री ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ओके, एप्लीकेशन इशू किया था 1st May को, अलॉटमेंट हुआ 1st June को, 30 September को हम इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे? अलॉटमेंट का डेट से पे करेंगे, मतलब 4 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे। समझ में आ रहा है? 1, 2, 3, 4 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे और 6 मंथ के बाद कन्वर्शन होगा। 6 मंथ कहां से गिनेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन से गिनना। ओके, इसी को देख के हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो पहला 1st May को एप्लीकेशन आएगा, 1/5/2010 को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना पैसा? कितना इशू किया था? 2 लाख इशू किया था, लेकिन 2 लाख नहीं है, पब्लिक ने 1,50,000 खरीदा। तो 1,50,000 डिबेंचर, 1,50,000 डिबेंचर इंटू 100, आंसर 1,50,00,000। 1,50,00,000 फर्स्ट एंट्री समझा, डिबेंचर इशू किया था। फर्स्ट एंट्री समझा, डिबेंचर इशू किया था पब्लिक को। सेकेंड एंट्री, 1/6 को कंपनी ने अलॉटमेंट किया, जब कंपनी अलॉट करेगी तो डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर में घुमाएंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? 1/6/2010 को, ये क्रेडिट है ना,
इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देगा, एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर कितना 1,50,00,000। लेकिन रुको, कंपनी ने 2,00,000 डिबेंचर इश्यू किया था, उसमें से 150,000 पब्लिक ने खरीद लिया, तो बैलेंस 50,000 कौन परचेस करेगा? अंडरराइटर परचेस करेगा, क्योंकि उसने गारंटी दिया है कोई नहीं खरीदे तो हम खरीदेंगे, तो कौन परचेस करेगा बैलेंस? अंडरराइटर। 50,000 डिबेंचर इंटू 100 आंसर 50,00,000, तो टोटल पैसा कितना आया सर? 2,00,000। ओके 2,00,000। सेकेंड एंट्री समझा, यही डेट को हम लोग अंडरराइटर को कमीशन पे करेंगे। सुनो, अंडरराइटर को जो हम कमीशन पे करते हैं ना, ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर देते हैं। कुछ लोग मिस्टेक कर देंगे, मान पड़ा इसके ऊपर दे दे 50,00,000, 50,00,000 पे नहीं देंगे। अंडरराइटर गारंटी देता है कोई नहीं खरीदे तो हम खरीदेंगे, तो डेरिंग तो दिखाया ना, डेरिंग, तो उस डेरिंग के ऊपर हम आपको कमीशन देंगे, तो 2,00,000 के ऊपर 2% कमीशन देंगे। अंडरराइटर को जब हम कमीशन देंगे तो कंपनी का लॉस है, तो एंट्री अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर कितना देंगे? 2,00,000 के ऊपर, 2,00,000 के ऊपर 2%, आंसर आएगा 4,00,000। लेकिन रुको रुको रुको, कंपनी अंडरराइटर से 50,00,000 लेना है और अंडरराइटर को 4,00,000 देने का है, तो कंपनी नेट लेगी ना उनसे, नेट अमाउंट लेने का कितना? 46,00,000। तो नेट लेंगे तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर को नेट पैसा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर कितना आएगा? 46,00,000। समझ में 46,00,000 कैसा है स्टूडेंट, बता देता हूं। देखो 50,00,000 लेना था उनसे, 50,00,000 लेना था और हम उनको कमीशन, 50,00,000 लेना है और 4,00,000 वापिस देना है, 50,00,000 अंडरराइटर से लेना है और 4,00,000 हम अंडरराइटर को देना है, तो हम उनसे नेट पैसा लेंगे ना, कितना? 46,00,000। एंट्री समझा अंडरराइटर का। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब डायरेक्टली 30 सितंबर को ब्याज देने का बारी आएगा। जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट हम कहां से देंगे? अलॉटमेंट से देंगे, अलॉटमेंट। तो देखो 1, 2, 3, 4 चार मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो अगला डेट क्या स्टूडेंट? 30 सितंबर 2010 को इंटरेस्ट पे करेंगे। जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो एंट्री आता है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे एंट्री आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट हम फेस वैल्यू में लेते, व्हाट इज द फेस वैल्यू? 2,00,000। तो 2,00,000 के ऊपर 2,00,000 के ऊपर 15% फॉर 4 मंथ। ये 4 मंथ आपको समझा? कमेंट में बताना मुझे 4 मंथ कैसे निकालो। देखो वापिस अलॉटमेंट से इंटरेस्ट देके कंपनी बोलती है, कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि हम आपको इंटरेस्ट अलॉटमेंट से देंगे, तो अलॉटमेंट का डेट है 1, 6, 1, 2, 3, 4 चार महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। 20,00,000 के ऊपर 50% 4/12 आंसर आएगा 10,00,000 रुपीज। तो कंपनी ने इंटरेस्ट कितना पे किया? 10,00,000 रुपीज। यहां तक समझा अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया था, नेक्स्ट डेट सुनो। 30 इंटरेस्ट पे करके हो गया, 30th अक्टूबर को 6 मंथ हो जाता है। कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन आपका डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा ओनली 60%। तो देखो ना, एप्लीकेशन 6 मंथ, 30 अक्टूबर होता है, तो 30 अक्टूबर को हम लोग डिबेंचर जो इशू किया था ना अभी 6 मंथ के बाद हम कन्वर्ट कर देंगे उसको इक्विटी शेयर में। एंट्री आता है 30 अक्टूबर 2010 को हम लोग वो डिबेंचर कन्वर्ट करेंगे। डिबेंचर क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे। एंट्री 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लेकिन पूरा नहीं स्टूडेंट, ओनली 60%, तो 2,00,000 का 60%, आंसर 1,20,00,000। समझा 1,20,00,000। टू हम उनको क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं, और वो इक्विटी शेयर में प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम।
क्वेश्चन में देखो इक्विटी शेयर 10 रुपए का था, इक्विटी शेयर 10 रुपए का था, उसका प्रीमियम है 50 रुपया। तो सुनो ना, ये 10 और ये 50 कितना हो गया 60, तो ये 60 है, इसका नहीं 60 है। तो सर शेयर्स कैसा निकलेगा, 1 करोड़ 20 डिवाइड बाय 60 करो, आंसर आएगा 2 लाख शेयर्स। तो 2 लाख को एक बार 10 से इंटू करो और 2 लाख को एक बार 50 से इंटू करो, तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख, 2 लाख इंटू 50 1 करोड़। We have converted the debenture into equity share, but the equity share we have given is at a premium. तो वापिस सुनो, 10 रुपए का शेयर है, 50 रुपए प्रीमियम, तो टोटल कितना होता है 60, मतलब ये अमाउंट 60 है। 1 करोड़ 20 डिवाइड 60 करोगे तो शेयर्स मिलेगा तुमको 2 लाख। नेक्स्ट ये डेट हो गया लास्ट डेट 31st मार्च 2011 को इंटरेस्ट पे करी कंपनी। अब सुनो इंटरेस्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट पे करो तो एंट्री हो जाता है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक आता है, बरोबर ना। लेकिन कैसे निकालेंगे सुनो, फेस वैल्यू कितना था डिबेंचर, 2 करोड़ डिबेंचर हमारे पास था, ये तो समझा ना, 2 करोड़ का डिबेंचर हमारे पास था, रेट 15% है। लेकिन सुनो, इस 2 करोड़ में से 1 करोड़ 20 लाख हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। एक मंथ तो यूज किया ना इसको हमने, 1 मंथ तो यूज किया, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे इसके ऊपर, और बैलेंस अभी भी यूज कर रहे हैं हम लोग 80 लाख। इसको हमने यूज किया 1 मंथ, ये देखो केवल 1 मंथ यूज किया, और इसको हम पूरा 6 मंथ यूज किए, तो इसको निकालेंगे 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो 1 करोड़ 20 के ऊपर 15% 1 मंथ का आंसर आएगा 1,50,000, 80 लाख के ऊपर 15% 6 मंथ का आंसर आएगा 6 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगी कंपनी, 6 लाख प्लस 1,50,000 7,50,000। ओके प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एक बार फास्ट रिकॉल कर देता हूं क्या हुआ था। देखो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था 2 लाख, उस 2 लाख में पब्लिक ने खरीदा केवल 1,50,000, तो बैलेंस 50,000 किसने परचेस किया, अंडरराइटर ने। तो ये पैसा आने का एंट्री, ये एप्लीकेशन को डिबेंचर में घुमाया, और बैलेंस डिबेंचर कौन सब्सक्राइब किया, अंडरराइटर, फिर अंडरराइटर को कमीशन पे करना है, तो 2 करोड़ के ऊपर हम कमीशन पे करेंगे 2%, आंसर 4 लाख। अंडरराइटर से लेना है 50 लाख और अंडरराइटर को देना है 4 लाख, हम नेट लेंगे उनसे, नेट लेंगे उनसे, तो नेट कितना लेंगे 46 लाख बैंक टू अंडरराइटर। 30 सितंबर को हमने डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया, 4 मंथ का क्यों दिया, इधर देखो अलॉटमेंट से ब्याज दिया है 1, 2, 3, 4, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है वहां से 6 मंथ के बाद आपका डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में, लेकिन ओनली 60%। तो एप्लीकेशन 6 मंथ की, तो 30th अक्टूबर आया, तो 30 अक्टूबर को डिबेंचर कन्वर्ट हो गया, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन में बोला था कि इक्विटी शेयर 10 रुपए का, बाकी प्रीमियम 50 रुपए, तो 10 प्लस 50 60 हो गया, तो ये 60 है, तो 60 1 करोड़ 20 है, तो 1 करोड़ 20 डिवाइड बाय 60 करोगे तो आंसर आएगा 2 लाख शेयर्स। तो 2 लाख को एक बार 10 से इंटू करो, 2 लाख को एक बार 50 से इंटू करो, समझे। और बाद में इंटरेस्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ, डिबेंचर इंटरेस्ट 7,50,000 कैसे पे किया, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर 2 करोड़ था, उसमें से 1 करोड़ 20 हमने 1 मंथ यूज किया इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे 1 मंथ का, और बैलेंस पूरा 6 मंथ यूज किया है 80 लाख, तो 80 लाख पे 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे, टोटल 7,50,000। एज बीन समझ में आया, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और फ्रेंडों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एग्जाम नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, सीए इंटर का एग्जाम का तैयारी जबरदस्त करें, पेपर एकदम इजी होते हैं, डरना नहीं है आपको, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।